अबे नहीं बेकार है, अबे नहीं यार पसंद नहीं आई, नहीं लेना। क्यों भाई साहब क्या हो गया इसमें? प्राइस हेलो फैमिली वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज जो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, आप लोगों को मजा आता, लेट करा दी, आप भी सारे नहीं आए हैं। स्कूटी लगा दी हमने यहाँ पे और कार निकाल ली है, अब बस मुश्किल ही मिलेगा खुला हुआ क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अब ऐसा लगता है कि वहाँ पहुंचेंगे ना तो बंद ही मिलेगा एचएम से शॉपिंग करनी थी हमें, बाकी देखते हैं घूम के तो आ जाएंगे, आप लोगों को एंटरटेन तो कर ही देंगे। ऑलरेडी हम इतना लेट हो चुके हैं, मैंने अभी कैमरा भी नहीं निकाला, अब कैमरा निकालू उससे व्लॉगिंग करूँगा, अभी तो फोन से ही कर रहा हूँ। तो फैमिली फाइनली हम निकल चुके हैं और नसीब अच्छा है कि रोड भी खाली मिल गया हमें, और फैमिली पीछे विंडो वाली सीट के लिए फाइट हो रही है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? विंडो वाली सीट पे नहीं बैठने दे रहा। खाली 20 मिनट है हमारे पास, 7:41 हो चुके हैं, अब 20 मिनट में देखते हैं पहुंच पाएंगे या नहीं। फाइनली पहुंच तो चुके हैं हम, लेकिन अब लगता नहीं कि हमें खुला हुआ मिलेगा। महंगी वाली पार्किंग में आ गया गलती से, सस्ती वाली में जाना था। गाइस फाइनली एक घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं। बाद आज चला है बुरखा। गाइस मैंने आपको सुबह ही बताया था कि इसके नसीब खराब है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी नसीब खराब ना हो इसके। हो सकता है कि हमें बंद मिले, बात नहीं चल इसके सदके से जो हमारी खुशियाँ वही महरूम हो जाए, क्या पता भाई। उर्दू मत बोल, समझ नहीं आएगी किसी को। अब ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यही तो बात है यार, गरीब होने का इतना बड़ा नुकसान है कि हमें ये भी नहीं पता ऊपर कहाँ से जाना, पार्किंग में हाथ हो गए। एक तो लेट, ऊपर से मास्क गाड़ी में छोड़ के आ गया मैं, तो फो नीचे गिरा पड़ा है, हमें छोड़ के भाग गए यार वो तो ऊपर। खराब हो गई मुझे लग रहा है, अब पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, अब हम अलग आ गए वो अलग चले गए। मास्क हटा सकते हैं क्या? पहले देखते हैं, दो चार बंदों को बिना मास्क के मिल गए तो हम भी बिना मास्क के। ओ एक तो यार ये मॉल इतना ज्यादा बड़ा है, वो पता नहीं कौन से फ्लोर पे चले गए और हम कोई और से फ्लोर पर आ गए। ये वो जगह है जहाँ पे जेब खाली होती है, हम बस तीन लोग हैं साथ में, तो वो बाकी सारे पता नहीं कहाँ चले गए, और ढूंढते ढूंढते मुझे लग रहा है जो बचा हुआ टाइम है वो ढूंढने में चला जाएगा। सारे सूट देख रहे हो, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो सारे सूट दिला देता उसको। फाइनली इतनी ढूंढने के बाद एचएम तो मिल चुका है, लेकिन फाइनली एचएम के अंदर तो मैं एंटर हो चुका है। ओए मिल गए मिल गए मिल गए, क्या कर रहे हो भाई, एक घंटे से ढूंढ रहे तुम्हें, फाइनली मिल गए। शॉपिंग तो करनी रही है, देखो क्या मजे ले रहे हैं। उन्होंने तो ब्लॉग शूट करने को मना कर दिया, लेकिन टेंशन मत लो, चुपचाप काम कर लेंगे। इतवार बाजार में मिलते हैं 50 रुपए के 100। बढ़िया लग रही है ना? हाँ। अबे सिस्टम बेकार है थोड़ा। अबे नहीं बेकार है, जैकेट भी कितनी बढ़िया। हाँ अबे नहीं यार पसंद नहीं आई, रेट देख ले 8000 रुपए। गाइस प्राइस की कोई बात नहीं है, चीज पसंद आनी चाहिए बस। अच्छा हमको सिखा रिया है, दो तीन चीजें सिलेक्ट तो किया, पहन के देखता हूँ, ट्राई करके दिखाऊंगा। फाइनली यहाँ पर आकर मैं मास्क हटा सकता हूँ, तो ये मैं लाया हूँ ट्राई के लिए, और एक एक करके आपको सारी चीजें ट्राई करके दिखा दूँ। वेट गाइस ये लग तो ओके रही है, लेकिन मैं किसी अंकल का साइज लिया, ये मेरे को पसंद आया लेकिन थोड़ा सा लूज है, बाकी देखते हैं, अच्छा लगा तो ले लेंगे, अच्छा तो लग ही रहा है वैसे। क्या बढ़िया था गुरु, कपड़े ढूंढते ढूंढते हम नीचे आ गए, और ये पूरा का पूरा सेशन है लड़कियों का। ओए बोलना नीचे बढ़िया सामान मिलेगा भाई, सॉरी काम पकड़ रहा हूं। लेना नहीं, क्यों खरीद रहा है तू? छोड़, क्यों नहीं लूंगा, देख लूंगा, रुक जा अभी, नहीं लेना। क्यों भाई साहब क्या हो गया इसमें? प्राइस इतनी खुशी से आया था मैं यहाँ पे, इतनी खुशी से प्राइस देख के घर जाने का मन कर रहा है। ये देखो ये जितनी भी चीजें इन्होंने ले रखी है ना, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ ट्राई करने के लिए ले रखी है, सिर्फ ट्राई करने के लिए। गाइस मेरा मन कर रहा है काश आप सब लोग मेरे साथ होते, तो ये सारे कपड़े ना सारे मैं ले लेता, बिल आप भर देते। बाल और खराब हो चुके हैं, सारे कपड़े भर दिए हमने, कुली रखा आज के लिए।
देखो मैंने भी ये ट्राई करी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया लेकिन मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। किडनी बेचनी पड़ेगी। अब ये लोग हमसे पूछेंगे ना पेमेंट कैसे करोगे, कार्ड से या कैश से, तो मैं बोलूंगा किडनी से। फाइनली इतने घंटों के बाद शॉपिंग डन हो चुकी है, ये फोटो खिंचवा रहे हैं, पहली बार शॉपिंग की है ना इन्होंने, इसलिए ये मैं लूंगा। प्राइस पता कितने की हो? बस लेने की बात है, दिलवा कोई भी दे, घर बिकेगा, घर बिक जाएगा, सारा क्या होगा, भाभी दिलवा देंगे। ये ग्रुप फोटो लगाएंगे ना, टैग करके हैप्पी बर्थडे वाला गाना लगा देंगे। गाइस हमारे यहाँ पता क्या चीज चल रही है, किसी की भी फोटो स्टोरी पे लगाते हैं और हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग लगा देते हैं, और फ्रेंड्स होते हैं ना जिन्हें पता नहीं होता वो भी स्टोरी लगा देते हैं ये सोच के कि बर्थडे है। अभी कुछ दिन पहले हम शादी में गए थे तो वहाँ का जो सहरा था ना इसको पहना के स्टोरी लगा दी, अब लोग मैसेज कर रहे हैं समीर की शादी हो गई, समीर की शादी हो गई, गली में से मुबारकबाद दे रहे हैं लोग, ऐसे ही चलता गाइस हमारे यहाँ। तो गाइस फाइनली आज मैंने मॉल से शॉपिंग की एचएम से, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहले आता था शॉपिंग के लिए लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुझे जो चीज पसंद आती थी मैं वो भी नहीं ले पाता था। आप लोगों को बहुत छोटी चीज लग रही होगी, हकीकत में छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने खुद की मेहनत से ये सब किया है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इतनी जल्दी ये सब कर पाया कि मैंने अपने खुद का फोन लिया, स्कूटी ली, और ऐसे ही आप सब प्यार बनाए रखो। बाकी मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेहनत भी तो ऐसी करी है भाई ने, इधर तो आओ भाई, हमारी कार नहीं बिल्ली बता दे कहाँ है यार, इधर तो आ, इधर तो आ, अपन जा रहे भाई, हम खो गए पता नहीं कहाँ, डर लग रहा है। वो गाड़ी में भी जाके बैठ गए और अभी तक हम ढूंढ ही रहे हैं। एक तो इन्होंने इतने बड़े गरीब बना था, पार्किंग में खो गया, लोकेशन इतनी तगड़ी है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त शूट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एक खतरा में कैमरा भी लाया हूँ, मैंने कैमरा इसलिए नहीं निकाला, अगर मैं निकाल लेता ना, अगर मैं कैमरा निकाल लेता तो ये मेरा फोटो भी नहीं खींचने देते, लग जाते लाइन में। नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं, कबीर भाई और तुलसी, पार्किंग का जो व्यू है ना बहुत एंड आता है। डिटेक्ट करो कहाँ, भागो भाई आजा, इतना मोटा भागा भी नहीं जा रहा, मिल गए, ढूंढते ढूंढते थक गए, कार में आके बैठे मजे से। तो भाई मुझे बैठने दे, पतले ब्लॉग बनाने के लिए जा, पीछे जाके बैठ जा, देख रहे हो इज्जत नहीं कह रहा, ब्लॉग बनाने के लिए बिठाया था आगे। अंदर आ चुके हम फाइनली, तो गाइस एक और कमाल की बात बताते हैं हम आपको, इसके पापा का फोन आया, कह रहे हैं शादी में हूँ मैं, जितने भी लोगे सबको लेके आ जाओ, 50 रुपीज भैया देख लो सही सही लगा लो, भैया अच्छा लगा तो दोबारा आएंगे, सही सही लगा लो, भैया कह रहे हैं सही लगाया, पहले डिस्काउंट दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, सबके 50 ही लगते हैं। तो निकल चुके हम फाइनली यहाँ से, बहुत बड़ी जगह है, मैकडी वाले कह रहे थे जरा बर्गर खा के जाते जब आप हमारे मॉल आए थे, हमने कहा वो जरा बिजी हम बाद में आएंगे, फैमिली हमें ना एचएम के अंदर वसुंधरा मिली थी, क्यूट है यार वो, क्यूट है क्या बोला उसने, निका मटेरियल। शदाब के पापा, शदाब की मम्मी, अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो शदाब की जल्दी से शादी करा दो, हमारी गली में घंटी रहती है, उनकी मिमिक्री कर रहा है, बोल बोल बोल, अंजलि मैं तुम्हें, तुम मुझे, ए माँ, ए माँ, शक्ति देना, 200 का डीजल डाल दो डिस्काउंट लगा के, एक्स्ट्रा ग्रीन मतलब 3 रुपए महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, हरे रंग का ओ डीजल, कुछ वो ग्रीन कुछ है इसके अंदर, पता क्या करें, डलवा ले टंकी फुल कर दो अंकल, अरे नहीं 200 का डालना, सुबह आया थे ना तो ज्यादा मजा आया था, तो ये भी ऑफिस में था आपने, इसका एग्जाम था आज, वो पूरे दिन खाली रहता, पूरे दिन खाली, अगर किसी को पाव दबवाने ना, पीछे के दोनों खाली रहता है, पूरे दिन कॉल करके बुला देना, इधर नीचे कर मुंह, ये इतने खाली है, जंगल है मोड़ ना, तो किसने देखा, इन्होंने देखा, इतने खाली है, कार्ड आता है ना अजय देवगन का, वो बोलता बोलो सुबह केसरी, ये बोल देते भाई, अब पैसे वाले हो गया। यू कह रहा है ये किसी को जाना था शादी में, तो मैंने इससे बोला भाई ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, सब लोग चलेंगे, था ना इसको बोला था क्या तू शादी में मत जा, मैं तेरे को खिलाने ले जाऊंगा, मैंने बोला मैं लेके जा रहा हूँ, तुमसे नहीं बोला था, भी खिलाएगा भाई, ब्लॉग डिलीट कर रहा हूँ, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, एक बंदे पे नहीं पड़ना चाहिए, कंट्री होगी, ये मेरा भाई है, भाई आप कौन से धरती से आए हो, ये वो गोला से, तो फैमिली
ये व्लॉग में यही एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मेरी ये छोटी सी खुशी शेयर करके और एंजॉय भी किया हम सब लोगों ने। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।